वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर 6, और आपको पता है वो किससे है, वो इस बुक से लिया गया है। बताइए आपको, इसमें 10 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये बुक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और ये सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग है बेटा, ये बायोलॉजी की है, हम लोग बायोलॉजी का डिस्कस करने वाले। इसमें आपको क्विक रिवीजन भी दिया हुआ है, जो आप एक दिन के लिए रिवीजन कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। वन डे रिवीजन दिया हुआ है, और इसके बाद बेटा इसमें सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। देखिए 10 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो आज नंबर है भाई सैंपल पेपर 6 का, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले यही बुक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसे बुक से सारे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। ओके नाउ बच्चों, तो अभी तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्या रूल्स रेगुलेशन हैं हमारे पेपर में। चलिए फिर से बता देते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ये जो पेपर आपका टर्म 1 का होने वाला है बायोलॉजी का, इसमें 3 सेक्शंस आने वाले। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो ओवरऑल इस पूरी पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और करने सिर्फ हैं आपको 50 क्वेश्चंस। नाउ सी बेटा, हर सेक्शन में अलग अलग नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और हर सेक्शन से हमें अलग अलग अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जो टफ लगे वो आप छोड़ सकते हैं, या अगर किसी में कंफ्यूजन लगे तो वो भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप बढ़ा के भी करोगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। क्लियर। नाउ सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ भी 24 क्वेश्चन है, और करने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन। इसमें भी आप 4 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है। सेक्शन सी की बात करें भाई तो इसमें है 12 क्वेश्चन, और इसमें करने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। इसी सेक्शन में आपको केस स्टडी भी मिलने वाला है। टाइम आपको पता है, टाइम जो दिया हुआ है दैट इज 90 मिनट, 1 घंटा और आधा घंटा, पूरे के पूरे 1.5 आवर, 1.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके पहले आपको 20 मिनट मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। ओके, नाउ मार्क्स की अगर बेटा बात करें तो 35 मार्क्स आपको बायोलॉजी के लिए दिया जाएगा जो इस पेपर में होगा। इसके बाद इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है। तो आप भाई पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस कर लेना 60 में से, ठीक है। ये रोल नंबर का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना है जो आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। चलिए भाई, तो अब हम लोग जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और ये जो सैंपल पेपर है ये कैसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए की बात करें तो इसमें कंसिस्ट है 24 क्वेश्चन, पता है आपको। करने कितने हैं बेटा? करने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस, और जो फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद अगर आपने 21, 22 कोई भी कर दिया है तो वो नहीं होगा। मतलब गिन के सिर्फ और सिर्फ 24 में से आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं। क्लियर। नाउ ये भी बात क्लियर हो गई भाई, तो चलिए जरा आप देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। पढ़ाई तो सबकी भाई अच्छी चल रही होगी, है ना। एंड टाइम है भाई, पढ़ लो, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ओके नाउ सी, ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। ये कब होता है बेटा? ये फर्टिलाइजेशन के तो पहले होता है, तो ये होगा नहीं। Now, दूसरी बात करें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। क्या होता है इसमें? जब मेल गैमेट्स जो आते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो आते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक फ्यूज होता है, वो एग बना लेता है। दूसरा जो फ्यूज होता है वो एंडोस्पर्म बनाता है, और वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये इवेंट जो होगा ये आपका फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है।
तीसरा देखें तो डिस्चार्ज ऑफ टू मेल गैमेट्स इनटू एम्ब्रियो सेल, ये भी फर्टिलाइजेशन के पहले का है, और पॉलिन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेल, मतलब कि ए सी और डी ये जो दिए हुए हैं ये तीनों फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स दिए हुए हैं, बस जो बी है यही आपका फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ओके, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मजेदार होते हैं, नंबर देने वाले होते हैं, है ना? चलिए देखते हैं क्या है इसमें भाई। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तो सबको पता है किसका डायग्राम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का, किसका, मैच्योर एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम का। क्लियर। नाउ करेक्टली आइडेंटिफाई लेवल ए बी एंड सी, क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, हमें ए बी एंड सी को आइडेंटिफाई करना है, चूजिंग द राइट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो चलिए भाई देखते हैं, ए पे आपका क्या होगा, ए पे होता है एंडोथीशियम, है ना, ए पे क्या होता है एंडोथीशियम, जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ अगर बी की बात करें तो सिंपल सी चीज है, ये तो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है ना, बीच में है। और तीसरी चीज जो सी पे है ये क्या है, दैट इज टैपेटम। मिल गया आपको तीनों का नाम, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। चलो भाई मैच करा लेते हैं ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे दिया है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, और डी पे भी दिया है एंडोथीशियम, लेकिन यहाँ बी पे टैपेटम दे दिया है, यहाँ मिडिल लेयर दिया है और यहाँ बी पे एक्टोथीशियम दिया हुआ है। तो बेटा इस हिसाब से अगर देखो तो आपका जो ऑप्शन बी है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये सही है, सही है ना, यही सही आंसर है आपका। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, अब जरा देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा और इसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। लेट्स सी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। नाउ सी, सेल्स ऑफ टैपेटम पजल्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सेल जो होते हैं टैपेटम के ये पजल्स करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म और इनके पास मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, तो ये बात तो सही है। ध्यान रखना बेटा करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछे तो गलत बताना है, करेक्ट पूछे तो सही बताना है, मतलब कि हो सकता है जो इसमें से इनकरेक्ट दिया हुआ है तो इसमें तीन ऑप्शन जो होंगे वो सही दिए होंगे पर आपको सही नहीं गलत वाला चूज करना है, और अगर करेक्ट दिया होगा तो तीन ऑप्शन हो सकता है गलत दिए हो, एक ही सही दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी बच्चे जब हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं तो वही करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में इनकरेक्ट पूछा हुआ है करेक्ट टिक लगा के चले आते, कहेंगे मैम ऐसा हो गया, तो भाई क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना, गलती मत करना इसमें, ठीक है। देखिए, सेल ऑफ टैपेटम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड, कह रहे जो सेल होते हैं टैपेटम के ये अंडरगो होते हैं मियोसिस के और प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड को, तो ये जो बेटा सेल होते हैं टैपेटम के इस ये क्या करते हैं, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि वो डेवलप होते रहते हैं ना तो उनको नॉरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये ही स्टेटमेंट आपका सही आंसर होगा। इसके बाद ये स्पोरोजेनियस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेनियम, वो होता है नन ऑफ द अबव, तो ऐसा है नहीं क्योंकि जो बी है ये गलत दिया हुआ है और आपको गलत ही बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, आपको पता होना चाहिए कि जिन फ्लावर्स का पॉलिनेशन विंड्स के थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है, वो कैसे होते हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है। सबसे पहले कह रहे हैं अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो स्मेल की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, क्योंकि जब इंसेक्ट्स होते हैं तो उनको अट्रैक्शन के लिए फ्लावर कलरफुल होते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस होती है, जैसे बटरफ्लाई हो गए और बीज हो गए, तो इन सब के लिए वो कलरफुल और स्ट्रॉन्ग स्मेल के होने चाहिए। ब्राइटली कलर्ड पेटल, इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि एयर को न स्मेल से मतलब है न कलर से मतलब है,
लार्ज नेक्रेस, लार्ज नेक्रेस दिया हुआ है और लॉन्ग प्रोजेक्टिंग स्टिग्मा दिया हुआ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो क्या होता है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं इनके स्टिग्मा जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि इनको पकड़ना होता है। जैसे एक बात होती है ना कि मौका मिला और मौके पे हमने चौका मार दिया, तो इनको भी बस वही बात होती है कि इनको जैसे ही पता चलता है पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इसकी तैयारी ये पहले से ही किए हुए होते हैं, ये अपने स्टिग्मा को बड़ा बनाए रखते हैं कि जैसे ही अगर कोई पॉलन ग्रेन आए ये तुरंत पकड़ लेंगे। तो क्या आंसर होगा बेटा? लॉन्ग प्रोजेक्टिंग स्टिग्मास। क्लियर? ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आपको पता ही है, नंबर तो बहुत अच्छा दिला देते हैं भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। The diagram shown below represent the structure of flower. Which of the following option is true for X, Y and Z? मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं X, Y and Z। इसका हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले कह रहे हैं X is the site of pollination and Y is the site of fertilization। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे pollination होगा? ये क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग एक्स की बात करें तो ये ओवरी है ना। तो ओवरी पे क्या पॉलिनेशन होता है? पॉलिनेशन कहाँ होता है बेटा? सिग्मा पे होता है ना, वहां पे पॉलिन ग्रेन्स आके अटैच हो जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट कह रहे हैं वाई इज द पॉलिनेशन साइट एंड एक्स इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये देखो यहीं से तो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन भाई यहीं से तो होगा, पॉलिन ग्रेन्स आके यहीं पे अटैच होते हैं, अटैच होते हैं कि नहीं होते हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके, तो पॉलिनेशन यहीं से होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो वो ओवरी पे होता है। वाई जो है आपका स्टिग्मा है और ये ही साइट है पॉलिनेशन का, और एक्स जो साइट है दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? बी। क्लियर? चलिए ऐसे थोड़े थोड़े अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो हो सकता है अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तो बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना कि कौन सा इवेंट कहाँ पे हो रहा है, अगर इवेंट्स का पता नहीं होगा तो आप गलती कर जाओगे वहां पे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है? करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन रन नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं है, तो दैट इंडिकेट प्रेगनेंसी। चांसेस होते हैं कि ये प्रेगनेंसी इंडिकेट करे, कभी कभी चांसेस होते हैं कि बॉडी में ब्लड की कमी की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं। तो ये ऑप्शन सही लिखा हुआ है। इसके बाद लिख रहे हैं द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स ओनली। जो चेंज होता है ओवरी में और यूट्रस में वो इंड्यूस करता है लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स को। नहीं भाई, ओवेरियन हार्मोन्स तो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ पिट्यूटरी हार्मोन्स भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। तो यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स ओनली लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं एलेक्स सर्ज इंड्यूस्ड ओवल्यूशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये इंड्यूस करता है ओवल्यूशन को। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद लिखा हुआ है इफ फर्टिलाइजेशन अगर कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट्स इमीडिएटली। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटम कह रहे हैं डीजनरेट हो जाता है। क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटम होता है ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को। कब तक? 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। जब तक 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है तब तक ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता रहता है। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब कि हमें 1 and 3 करेक्ट मिला है। अब बेटा हमें कोड स्नैच करवाने। लेट्स सी, 1 and 2 यहाँ दिया हुआ है, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4, तो कौन सा होगा? 1 and 3, 1 and 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। भाई बायो है तो आप डायग्राम से तो बच नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे, अब चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन ये भी श्योर है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पर देखो कितने आते हैं, वी डोंट नो। तो जितने डायग्राम की प्रैक्टिस हो सके आप कर लो बेटा, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको मिले वो भी अटेम्प्ट कर लो। लेट्स सी द
The figure given below represents the human fetus within the uterus. ये जो figure है, इसमें क्या दिखा रहे हैं? Human fetus है uterus के अंदर, है ना? ये diagram है. Now identify the parts label A, B, C and D. हमें label part बताने हैं A, B, C और D का. Okay, चलो देखो, ये दिया हुआ है A के part, ये B, ये C, ये D. और यहाँ पे देखिए आपके option दिए हुए हैं A, B, C, D. इसमें से correctly बताना है कि कौन सा correctly मैच करेगा. तो चलो बेटा जरा बताओ A पे क्या है. ये वाला अगर डायग्राम है यहाँ पे और A इसको डिनोट कर रहा है तो ये क्या है? That is placental villi, है ना? ये placental villi है. उसके बाद अगर हम लोग B की बात करें तो B देखो ये है, ये वाला पार्ट है. ये क्या है? योक सैक. C क्या है बेटा? एम्ब्रियो. और D क्या है? D क्या है? यूम्बिलिकल कॉर्ड, है ना? D जो है आपका दैट इज यूम्बिलिकल कॉर्ड है. ओके, तो ये यूम्बिलिकल कॉर्ड हो गया जिससे फीटस को नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर, ऑक्सीजन सब मिलता है. तो ये तो हो गया आपका नॉमेनक्लेचर. अब जरा मैच करा ले हम लोग. यहाँ पे देखिए ए पे दिया है यूम्बिलिकल कॉर्ड, तो यूम्बिलिकल कॉर्ड का है डी पे, योगा नहीं. योक सैक दिया हुआ है ए पे, योक सैक है आपका बी पे. यहाँ पे दिया हुआ है सी पे प्लेसेंटल विलाई, तो ए पे क्या है? प्लेसेंटल विलाई है. बी पे क्या है? योक सैक है. सी पे क्या है? एम्ब्रियो है. और डी पे यूम्बिलिकल कॉर्ड. इसमें से अगर आपको दो भी पता होता तो आप आंसर सही कर लेते, है ना? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें. डायग्राम वाले क्वेश्चन बेटा छोड़ के मत आना क्योंकि इजी होंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप उसको सही ही करोगे. तो डायग्राम की आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करते रहिए. चलिए आपकी बुक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सबकी प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक में सब कुछ मेंशन है. Now next question is ट्रोपोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू. ट्रोपोब्लास्ट जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ये किससे अटैच होता है? देखो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ना, इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये दो पार्ट में बनता है. एक तो होता है आपका ट्रोपोब्लास्ट हो जाता है और दूसरा होता है इनर सेल मास. अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ये किससे अटैच होता है? तो इनर सेल मास किससे होता है? इनर सेल मास अटैच हो जाता है एम्ब्रियो से. ओके, वो उसको फॉर्म करने लगता है, अटैच नहीं होता, उसको फॉर्म करने लगता है. और जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियम, ठीक है, यही आपका सही आंसर. थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, मतलब जैसे वन वन वर्ड के आंसर होते हैं, तो ये तो बहुत सही है आपके लिए कि आप इसमें नंबर अच्छे से गेन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में. और भाई सिलेबस भी याद आ रहा है तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज करेक्ट. इसमें से हमें करेक्ट इवेंट बताना है कि करेक्ट इवेंट कौन सा होता है. पता है आपको सबसे पहले क्या होता है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन होता है. मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होता है? ओवुलेशन होता है. जो ओवा होते हैं वो रिलीज होते हैं. अब उसके बाद क्या होता है अगर हम लोग देखें तो जो ओवा होता है वो रिलीज होता है तो उससे मेल गैमेट आके अटैच होगा. मतलब फीमेल का ओवा, मेल का मेल गैमेट स्पर्म, ये आके अटैच होता है तो ये क्या बनाते हैं? ए डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इसके बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है. नाउ सी यहाँ पे देखिए, मेंस्ट्रुएशन दिया हुआ है, ओवुलेशन दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है और इम्प्लांटेशन दिया हुआ है. अब अगर ये सीक्वेंस आपको ना पता हो तो क्या करोगे? यहाँ पे देखो आप क्या गलती कर सकते हो. मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन को चेंज कर दिया गया है तो यहाँ आप गलत हो सकते हो. लेकिन अगर पता रहे कि ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो आप आंसर कर ले जाओगे. यहाँ पे ओवुलेशन दिया है और मेंस्ट्रुएशन. कुछ बच्चे इसमें भी गलती करेंगे कि पहले ओवुलेशन होता है बाद में मेंस्ट्रुएशन. तो मेंस्ट्रुएशन पहले होता है, ओवुलेशन बाद में. साइकिल अच्छे से पढ़ लेना बेटा. मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पूरा डेट होता है, कब ओवुलेटरी फेज होता है, कब मेंस्ट्रुअल फेज होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा. ओके, तो आपका आंसर ए, ठीक है, क्लियर, ये सही आंसर है आपका. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट इसमें कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, शायद ऑप्शन चूज करना है हम लोग को. लेट्स सी.
Which of the following contraceptive methods have poor reversibility? इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा contraceptive method है जिसकी reversibility जो है वो poor है, मतलब बेकार है, वो reversible नहीं हो सकते हैं। और let's see, ये क्या है बेटा? कॉपर टी। तो ये तो अगर इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी में, फिर बॉडी से अगर निकाल दिया जाए तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अगर कॉपर टी को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बी जो है, दैट इज कॉन्डोम, और कॉन्डोम का यूज इंटरकोर्स के टाइम पे किया जाता है, तो इसका भी कोई वो नहीं है। सी देखिए, ये क्या है? ये फीमेल बॉडी में होता है और दैट इज वैसेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब्स को क्या किया जाता है? कट करके टाई अप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब फीमेल बॉडी में भी गैमेट्स फॉर्म होंगे और मेल बॉडी में से भी जो गैमेट्स आएंगे वो फ्यूज नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर अगर ये कट करके टाई अप कर दिया गया है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका जो नॉट है वो खोल के फिर उसको एक साथ पैचअप करना। ओके, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की मतलब बहुत पुअर रिवर्सिबल होता है। डी जो होता है, दैट इज इम्प्लांट्स, उसकी भी रिवर्सिबिलिटी के कुछ चांसेस है अगर इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो अगर देखें तो इसमें से आपको पता चल गया कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड है इनमें से कौन सा पुअर रिवर्सिबल है, दैट इज फीमेल बॉडी में जो वैसेक्टोमी का प्रोसेस होता है, सर्जिकल प्रोसेस होता है, दैट इज पुअर एंड पुअर रिवर्सिबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और इसमें शायद FIB है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। लेट्स सी, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ डैश डेज, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर अ गैप ऑफ दीस डे इट हैज टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न। ओके, ये मतलब आपको समझ में आ रहा है, कंट्रासेप्टिव पिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो पिल होती है इसको डेली कितने पीरियड के लिए लिया जाता है? 21 डेज के लिए लिया जाता है। ठीक, स्टार्टिंग प्रेफरेबली अगर करें तो विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर अ गैप ऑफ फर्स्ट डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दिन नहीं लिया जाता है, उसके अगले 7 डेज तक भी नहीं लिया जाता है, मतलब ओवरऑल 7 डेज तक नहीं लिया जाता है। तो 7 डेज के गैप के बाद इसको फिर कंटिन्यू कर दिया जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? सिर्फ और सिर्फ 28 डेज की। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 28, है ना? 28 डेज पर लेनी है, 7 डेज का गैप करना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो देखिए कौन सा आंसर सही है। ए पे दिया हुआ है 27 और बी पे 1, ये गलत दिया हुआ है। बी पे अगर बात करें तो ए पे दिया हुआ है 21, यानी कि यहाँ पे 21 और यहाँ पे 7, तो ये सही दिया हुआ है ना? तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ जीनोटाइप। देखिए यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि कितने गैमेट्स होंगे जो प्रोड्यूस्ड होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है अगर हम लोग जो मेंडल साहब ने लॉ दिया था उस हिसाब से देखें, तो जो यहाँ पे गैमेट्स पूछा जा रहा है और उसका जीनोटाइप पूछा जा रहा है, तो किसमें होता है बेटा? हेटरोजाइगस में होता है, मतलब जो जीन्स हेटरोजाइगोसिटी शो करते हैं उनमें होगा। तो यहाँ पे हेटरोजाइगस कौन कौन से हैं? देखिए ये तो होमोजाइगस है, ये हेटरोजाइगस है और ये हेटरोजाइगस है। कितने हुए बेटा? 2। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला तो है 2 to the power n, n क्या होते हैं? जीन्स ऑफ हेटरोजाइगस, नंबर ऑफ जीन्स ऑफ हेटरोजाइगस। तो यहाँ पे कितने हैं? एक ये है और एक ये है, तो 2 to the power 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 4। आंसर क्या होगा? सी, ये दिया है आपका 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओके, लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने वाली चीज है, लेकिन अगर इन सब से किसी का पाला पढ़ा दें तो बताओ भाई कौन कितना रट पाएगा, है ना? कहीं तो कॉन्सेप्ट आएंगे। नाउ विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, क्या ये डोमिनेंट डिजीज है? नहीं, ये क्या है? रिसेसिव डिजीज है ना?
दिस इज अ रिसेसिव डिजीज, ये नहीं है। फिर लिखा हुआ है इट इज अ रिसेसिव डिजीज, मतलब क्वेश्चन में अपनी बात को एक तरह से कुछ और कह रहे हैं, एक तरह से कुछ और कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो भाई आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको आंसर पता है, ये रिसेसिव डिजीज है। अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, सिंगल प्रोटीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो अफेक्ट होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ना, जिसकी वजह से ब्लड कॉन्टिन्यूस फ्लो करता है और कभी कभी इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो सकती है। फाइन, तो ये भी सही दिया हुआ, अफेक्ट मेल्स मोर देन फीमेल्स, मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, सही बात है, क्योंकि जो डॉटर्स होती हैं वो कभी कभी करियर भी बन जाती हैं, लेकिन मेल्स जो होते हैं वो करियर नहीं, उनको तो पूरा का पूरा हीमोफीलिया ही हो जाता है। ठीक, तो ये भी सही दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट वन है यही गलत दिया हुआ है, और पूछा क्या जा रहा है बेटा, इनकरेक्ट है ना। तो चलिए देखते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वन कहाँ मिलता है, ये देखिए सी पे आपको मिल रहा है ओनली वन, सिंपल है, मिल गया आंसर आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अमंग द फॉलोइंग विच कैनॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया था, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे नहीं है, ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट, सही लिखा हुआ है, जो फैक्टर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर ट्रेट को, जैसे टॉल है, शॉर्ट है, इन सबको कंट्रोल करते हैं। नाउ आउट ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, तो ये भी बात सही है, जो भी पेयर थे फैक्टर्स से उनमें कुछ डोमिनेंट थे कुछ रिसेसिव थे, मतलब एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था। फैक्टर ऑलवेज अकर इन पेयर, फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, इनको अकेले रहने से डर लगता है तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F1 जनरेशन, क्या ये मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में था, ये तीनों तो था भाई, नो डाउट ये था, लेकिन जो डी वाला है एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, उसके बाद क्या है बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F1 जनरेशन, तो ये बात उनके मेंडल लॉ, मेंडल साहब के लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ध्यान रखिएगा करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, बार बार आपसे कह रहे हैं बेटा, और ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लग रहा है क्रॉस करवाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा कि जो इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेटरोजाइगस राउंड येलो आर सेल्फ क्रॉस्ड, हेटरोजाइगस राउंड येलो को सेल्फ क्रॉस करवाया गया, राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप, जो राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग है वो किस जीनोटाइप से रिप्रेजेंट होगा, किसकी बात हो रही है, राउंड ग्रीन की, सिंपल सी चीज है, फट से आपको क्रॉस करवाना होगा इसके लिए। तो क्रॉस करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले गैमेट्स बना लो, है ना, लेट्स सी गैमेट्स आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे ये पैरेंट गैमेट होगा, है ना, अब यहां से हमें गैमेट्स बनाने हैं, तो ये आपका बनेगा ये, और क्या बनेगा ये, और क्या बनेगा ये बनेगा, और फिर ये बनेगा, ठीक, सेम इसमें भी यही बनेगा, है ना, गैमेट्स बना लिया आपने, अब क्या करोगे बेटा, क्रॉस करवाना है। ओके, चलिए क्रॉस करवाते हैं हम लोग, कितने सेक्शन होने चाहिए, चार। ओके, ये तो हमारे पेरेंट्स का हो जाएगा इधर, चलो अब हम लोग याद रखना क्या क्या है, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है क्रॉस करवाना, क्रॉस करवाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों, लेकिन इजी चीज है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना। चलिए अब जल्दी जल्दी क्रॉस करवा दीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा।
ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये मिलेगा आपको, जो एक जैसे होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं। लाइक अगर होमोजाइगस या हेटरोजाइगस है तो उस हिसाब से करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहली बात की इसमें पहले कैपिटल वाले को लिखते हैं, सेकंड पे रिसेसिव वाले को लिखते हैं। कैपिटल जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट होते हैं, और जो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रिसेसिव है, है ना। ओके, बस होने ही वाला है। और ये मिला, फिर हमें ये मिला, एंड एट लास्ट हमें ये मिला। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग, राउंड और ग्रीन ऑफ स्प्रिंग किससे मिलेगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, जहां पे कैपिटल आर है वो क्या है, दैट इज राउंड। ओके, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है, ये दोनों राउंड होंगे, है ना, ये दोनों क्या होंगे, राउंड होंगे। दूसरी बात करें इसकी तो ये क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे ना, दे आर रिंकल्ड। फिर अगर बात करें ये तो ये क्या होंगे, येलो, इसके साथ साथ ये भी येलो होंगे। ठीक, और अगर ग्रीन की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कह रहे हैं राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग, राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग किससे रिप्रेजेंट होंगे, तो राउंड रिप्रेजेंट होने के लिए ऐसा होना चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ, यहाँ पे क्या है राउंड, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वो रिंकल्ड शो कर रहे हैं, यहाँ पे रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है, ये भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे होगा राउंड होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन की बात कर रहे हैं। तो ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो ग्रीन होगा वो जो स्मॉल लेटर होते हैं उनसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो ग्रीन को आपको वाई रिप्रेजेंट करें और वाई स्मॉल में होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपके दिए हुए, तो ये आंसर आपका सही होगा। क्लियर, ये नहीं। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा आपको क्रॉस आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस करने आ जाएगा तो आप गंगा नहा लोगे, इतना जान जाओ बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ZW type of sex determination found in Z or ZW type का जो sex determination होता है ये किसमें find होता है, तो ये हमें किसमें मिलता है, fishes में मिल सकता है, birds में मिल सकता है ना, कभी कभी direct birds से question आ सकता है ये किसमें होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग humans में होता है वैसा नहीं होता है। इसकी अगर बात करें तो ये represent करते हैं male को और ये represent करते हैं female को। ओके, यहाँ पे आप देखिए फिशेस दिया हुआ है, ये सही आंसर है। चलिए कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले से हर चीज क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कह रहे हैं अ टॉल प्लांट एंड अ स्मॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट है एक स्मॉल प्लांट है, इसको क्रॉस करवाए गए और प्रोड्यूस किए गए ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर ऑल टॉल, जितने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए सब टॉल हुए। What is the genotype of the offspring and to which generation do they belong? बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं कि वो कौन सा जीनोटाइप होगा offspring का और किस जनरेशन से ये बिलोंग करेंगे, जनरेशन मतलब F1 F2। और अगर बात करें जीनोटाइप की तो इसमें बताना है होमोजाइगस या हेटरोजाइगस। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, हेटरोजाइगस F1, हेटरोजाइगस F2, होमोजाइगस F1, होमोजाइगस F2। बहुत मतलब वन वर्ड आंसर है, इसमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या करना होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टॉल प्लांट है स्मॉल प्लांट है उसको क्रॉस करवाएगा, जितने ऑफस्प्रिंग मिले वो टॉल मिले, जीनोटाइप क्या है ऑफस्प्रिंग की और वो किस जनरेशन में। सबसे पहली बात करें अगर जीनोटाइप की तो वो क्या होंगे, हेटरोजाइगस होंगे, क्योंकि टॉल स्मॉल दोनों है, सिर्फ एक नहीं है। भले ऑफस्प्रिंग्स आपको क्या मिल रहे हैं, टॉल, लेकिन जो जीन्स है वो कैसे है, हेटरोजाइगस है, मिक्स्ड है। ओके, तो या तो ये होगा या ये होगा, जनरेशन कौन सा होगा, F1 या F2, F1 होगा भाई, F1 होगा, हेटरोजाइगस F1, क्लियर, ये जनरेशन होगी।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है ये सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के। चलो भाई देखते हैं क्या है। लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन इज हेटरोक्रोमेटिन। क्या जो लूजली पैक्ड और लाइटली स्टेन्ड रीजन होते हैं क्रोमेटिन के, ये हेटरोक्रोमेटिन होते हैं? नहीं, ये यूक्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, ओके। अ न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। तो ये तो सही लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस से और पेंटोज शुगर से। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमिन में, ये भी सही बोल रहे हैं। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज अ कंसीक्वेंस ऑफ इट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, ये कंसीक्वेंस है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, ये भी सही बोल रहे हैं। क्या बताना है बेटा, करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलो जरा कोड्स पढ़ ले। 1, 2 and 4 आर करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, ये गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, 1 and 4 आर इनकरेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड जो है ये कह रहे करेक्ट है, फर्स्ट और फोर इनकरेक्ट है, ये भी नहीं सही दिया हुआ है। सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है, करेक्ट है, और वन क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये सही होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ओके। चलिए भाई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कहोगे मैम सारा ही क्वेश्चन क्या नहीं अच्छा है, तो भाई क्वेश्चन अच्छे हैं तो कहे क्या, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अच्छे ही कहेंगे ना। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ एंड दैट ऑफ एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। कह रहे हैं डिफरेंस क्या था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ का और एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी का, ये बताना है आपको। सी क्या हुआ था कि जो डिफरेंस था इन लोगों में, इसमें क्या था, जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस का डिफरेंस था, यहाँ पे देखिए यूज ऑफ हिट किड आर टाइप, यूजेस ऑफ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस, यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, यूजेस ऑफ एस टाइप। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस क्या है, एंजाइम है। किसका डिफरेंस था बेटा, एंजाइम का डिफरेंस था, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूजेस ऑफ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस। जितने भी एंजाइम होते हैं ना उन सब में लास्ट में एएसई लगा होता है, एज एज, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी बात हो रही है, एंजाइम की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है। चलो ये इजी क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, और हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल हो, ये इजी है। जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड क्या होता है, सीक्वेंसेस होते हैं नाइट्रोजन बेस के, दे आर सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए। सी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑन एचएनआरएनए, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन टीआरएनए, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन आरआरएनए, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन डीएनए। क्या होता है, सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस का डीएनए पे, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, आप तो बड़े बच्चे हो, आप भी कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए किस पर डिपेंड होता है, आरएनए पे, ये सही है। डीएनए एंड आरएनए बोथ फंक्शन एज जेनेटिक मटीरियल। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटीरियल होता है, कॉमन चीज है। इसके बाद कह रहे हैं डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इट इज प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। सही बात है ये भी, क्योंकि जो डीएनए होता है ना ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये एक तरह से प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल भी है, बट ट्रांसमिशन के लिए इज द प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मैसेजेस होते हैं कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है, तो उसके लिए तो ये सुटेबल ही है, पर आरएनए इज बेटर। ठीक, ये बात भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे सही बात है, तीनों बात सही है, तीन ही लिखे हुए, तीन ही ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो बेटा, जैसे मान लीजिए दो स्टेटमेंट पढ़ा, तीसरे के लिए कंफ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए और बी तो पता है, श्योर हो, सी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये क्या कह रहे हैं, और डी पे दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो क्योंकि दो स्टेटमेंट सही दिया हुआ है और करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे नन ऑफ द अबव देता, तो आप सोच सकते थे, लेकिन वो भी कंडीशन ये थी कि एक ही सही होता, दो गलत होते या तीनों गलत होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर दो सही है तो आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते। चलो ट्रिक है ये, छोटी सी ट्रिक है। ओके ये क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट पे बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है, साइंटिस्ट पे बेस्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, Who among the following scientists has no contribution in the development of double helix model for the structure of DNA? इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने contribution नहीं दिया था double helix model of DNA बनाने में? जो DNA का double helical model बनाया गया था उसमें किसका contribution नहीं था, ये पूछा जा रहा है। Franklin का contribution था, Wilkins का contribution था, Chergiaf का contribution था, मिल्सन एंड सेल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, इन्होंने दूसरे काम किए थे, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पे काम नहीं किया था। ओके तो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था उसमें, फाइन, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा ये तो थोड़ा भाई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन टिल जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, जैसे पढ़ लोगे ना वैसे ही लगेगा ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन। लेट्स सी, ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द गिवन सेगमेंट ऑफ एमआरएनए एंड द रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है एमआरएनए का, और अमीनो एसिड के सीक्वेंस दिए हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच दिस एमआरएनए वाज ट्रांसक्रिप्ट इज, अब हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताना है डीएनए स्ट्रैंड का जिससे एमआरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो। ओके कोडिंग करनी है बेटा, कोडिंग आपको पता है क्या होती है, यहाँ पे क्या करोगे कोडिंग में, क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होगा टी, यू इक्वल टू क्या होगा बेटा ए, जी इक्वल टू क्या होगा सी, सी इक्वल टू क्या होगा जी। अब या तो आप जल्दी से कोडिंग कर लो या पता हो तो आप गेस कर लो। तो अगर हम लोग बात करें कोडिंग की, तो ए की जगह पे टी हो गया, यू की जगह पे ए हो गया, जी की जगह पे सी हो गया, ठीक है, यू 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 दिया हुआ है तो यू की जगह पे क्या होगा ए ए ए। अब यहाँ दिया हुआ है ए यू जी, ए की जगह पे क्या होगा बेटा टी, यू की जगह पे क्या होगा ए, और जी की जगह पे सी, फिर सी सी यू दिया हुआ है तो सी की जगह पे जी, जी और यू मतलब की ए हो जाएगा, फिर जी यू यू दिया हुआ है तो जी की जगह पे सी और यू की जगह पे ए एंड ए, यू सी यू, यू की जगह पे क्या होगा बेटा ए, सी की जगह पे क्या होगा आपका जी, यू की जगह पे ए, सी की जगह पे जी और यू की जगह पे फिर ए, यू की जगह पे ए, ए की जगह पे टी, मिल गया ये सीक्वेंस बन गया। अब चलो जरा देख लेते हैं कहाँ मिलता है हम लोग को, ए यू जी की जगह टी ए सी, ये देखो टी ए सी यहाँ मिल रहा है, टी ए सी मिल रहा है, फिर ए ए ए, फिर टी ए सी, फिर जी जी ए, फिर सी ए ए, ए जी ए और फिर ए टी टी, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है कहीं कहीं क्वेश्चन में, चलो लेकिन आप कर लोगे, आई नो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, अच्छे रिजल्ट आने ही हैं, है ना, आपके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी ज्यादा स्टडीज कर रहे हो, रिजल्ट आना ही है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टर्म डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ फैक्टर कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा ऐसा टर्म है जो अल्टरनेटिव फॉर्म है फैक्टर का जो कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, क्या हो सकता है भाई, एलील होंगे ना, चलिए देखते हैं, एलील दिया हुआ है आपका पहले ही, सबसे पहले आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। यहाँ पे बच्चों आपका जो सेक्शन ए है ये फिनिश हो गया, सेक्शन ए इज फिनिश्ड। ओके 20 क्वेश्चंस करने थे लेकिन हमने क्या किए, पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस
कर डाले। अब बात आती है सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको मिलेंगे असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन और कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया है सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ देखिए ये इंस्ट्रक्शंस भी आपको पहले से पता होंगे, है ना भाई, इतना सारा सैंपल पेपर कर लिया आप तो सारे स्टेटमेंट्स ही लर्न हो गए होंगे। नाउ सी सेक्शन बी जो है इसमें 24 क्वेश्चन है, पता है आपको। अटेम्प्ट कितने करने हैं बेटा, सिर्फ 20 क्वेश्चन, है ना, ओनली 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25-48 तक सेक्शन बी में है। अब जो पहले अटेम्प्ट किए हुए 20 क्वेश्चन होंगे उसी का सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन होने वाला है। नाउ सी इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 25-28 तक असर्शन एंड रीजन मिलने वाला है। क्या असर्शन एंड रीजन? अब ये क्या होता है भाई? तो भाई ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देते हैं। दो स्टेटमेंट दिए होते हैं असर्शन और रीजन, एक असर्शन लिखा होता है एक रीजन लिखा होता है, दोनों में अलग अलग स्टेटमेंट दिए होते हैं। अब हमें देखना होता है क्या दोनों सही है, और दोनों सही है तो क्या उसका जो असर्शन है रीजन उसका सही सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसी हिसाब से हमें ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो यही चारों ऑप्शन आपको कॉमनली हर असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में मिलेगा। पहले क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, सही बात है भाई। उसके बाद कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरी बात कहते हैं असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और चौथी बात कहते हैं असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। यही चार चीजें होती हैं इसमें, ओके तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो भाई तो सबसे पहले देख लो ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है। दोनों ट्रू है तो उसके बाद भाई क्या रीजन सही सही दिया हुआ है, तो भाई ए होगा और नहीं तो फिर बी होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैस्मोगैमस फ्लावर रिक्वायर एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट टू कैरी आउट पॉलिनेशन। कह रहे हैं जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं इनको एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, सही लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं क्लस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स, तो ये बात भी भाई सही है कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये अपने ऑर्गन्स को सेक्स ऑर्गन्स को एक्सटर्नली शो नहीं करते, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। तो भाई दोनों बात सही लिखी हुई है लेकिन क्या सही रीजन दिया हुआ है, तो रीजन ये तो कैस्मोगैमस फ्लावर की बात में बात कर रहे हैं, क्लस्टोगैमस फ्लावर की बारे में बात कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है और इसको कह रहे हैं ये सेक्स ऑर्गन्स अपने एक्सपोज नहीं करते, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो उसका सही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहे हैं ऑल पॉपुलेशन मतलब जितनी भी पॉपुलेशन होती है डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है, सही लिखा है भाई। क्योंकि देखो क्या होता है, ओवा जो होता है ओवा का प्रोडक्शन मंथ में एक बार होता है लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं ये बार बार प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो जितने भी अगर पॉपुलेशन हो रहा है उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। दूसरी बात क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी अगर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड टू स्टमक जंक्शन, क्या ये सही लिखा हुआ है, तो सही लिखा हुआ है भाई कि जो फर्टिलाइजेशन होता है प्रेगनेंसी का ये कब होता है, जब ओवम और स्पर्म जो होते हैं ये मीट करते हैं और मतलब ये फर्टिलाइज होते हैं, ओके तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पर कहाँ होते हैं स्टमक जंक्शन में, ठीक। तो ये भी बात सही लिखी हुई है, मतलब दोनों चीजें सही लिखी हुई है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हर पॉपुलेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी नहीं शो करता बट जब मीटिंग होती है ओवा और स्पर्म की तो वो फर्टिलाइजेशन शो करता है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर। तो भाई ये भी क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं इसमें,
ओके तो बेटा इसमें कह रहे हैं इन इंडिया सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस आर अलाउड ओनली अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया में जो सेफ और लीगल अबॉर्शन होता है ये सिर्फ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ही अलाउ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, 9 मंथ्स होते हैं पहला ट्राइमेस्टर जो होता है वो 1 to 3 मंथ तक का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 4 to 6 मंथ का होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 7 to 9 मंथ का होता है। तो पहले ट्राइमेस्टर में ही अगर किसी को अबॉर्शन करवाना हो तो वो करवा सकता है, वो सेफ भी होता है और लीगल भी होता है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दिस इज डन टू अवॉइड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एज सेक्स ऑफ द फीटस कैन ओनली बी डिटरमाइंड आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं होता है, जो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो बिल्डअप होने लगते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उसके बाद अबॉर्शन करवाया जाए तो जो फीटस के ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, तो ऐसे में खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो रीजन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है कि दिस इज डन टू अवॉइड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस एज सेक्स ऑफ फीटस कैन ओनली बी डिटरमाइंड आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये गलत दिया हुआ है। तो कौन सा सही होगा, सिर्फ असर्शन आपका सही है, इट मीन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये आपका यहाँ पे होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कटिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट पीपल यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ वेरिएबल लेंथ। अगर कह रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंस है दो अलग अलग पर्सन का है, टू डिफरेंट पीपल बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का है और इसको हमने सेम जगह से कट कर दिया है, सेम रिस्ट्रिक्शन यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ वेरिएबल लेंथ। वो क्या होता है, ईड उसकी अलग अलग होगी क्योंकि जो डीएनए होगा बेटा वो दो अलग अलग लोगों का है, तो लेंथ ईड क्या होगी, अलग अलग होगी। अब नाउ यहाँ पे कह रहे हैं डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज रैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर दैट वैरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। तो क्या ये बात सही लिखी हुई है, तो हाँ भाई ये बात सही लिखी हुई। क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं ये अरेंज होते हैं रैंडमली मेनी कॉपी नंबर होते हैं जो कि वैरी करते हैं एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में हर एक इंडिविजुअल में। तभी आपका क्रोमोसोम अलग होगा, आपके फ्रेंड का अलग होगा, आपके कोई अगर रिलेटिव होंगे तो उनका भी कुछ अलग होगा, होगा ना, तो ये ऐसे अलग होते हैं। यहाँ पे दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। ओके तो ये क्या है, और रीजन भी जो दिया हुआ है बेटा वो सही दिया हुआ है कि जो डीएनए सीक्वेंस है ये रैंडमली अरेंज होते हैं बहुत सारे कॉपी नंबर में और ये वैरी करते हैं हर एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका असर्शन और रीजन हो गया है खत्म। अब यहाँ बेटा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, किसका डायग्राम है, देखो दैट इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, इसी का डायग्राम है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ स्पर्म शोन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। ये डायग्राम देखना है और हमें आंसर करना है। कह रहे रिगार्डिंग मेल प्रोन्यूक्लियस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा है। कह रहे ओनली द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्या जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो वो तो एंटर करता है। उसके बाद कह रहे हैं बोथ हेड एंड नेक ऑफ स्पर्म कंट्रीब्यूट टू प्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन। कह रहे हैं जो हेड और नेक होता है ये स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है प्रो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, तो नेक कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दूसरी बात कह रहे हैं मेल प्रो न्यूक्लियस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, मेल प्रो न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करते, ये कहाँ लिखा है भाई, मेल प्रो न्यूक्लियस के पास तो लैक होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके तो ये भी गलत हो गया। स्पर्म हेड कंटेन प्रो न्यूक्लियस हैविंग डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या इसके पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो भाई ये तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके तो इस हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला सही मिला। कौन सा कोड मैच करेगा बेटा, ओनली सेकेंड, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओनली वन, तो ये आपका सही। क्लियर, चलिए कुछ चीजें मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है,
तो ऐसे क्वेश्चन में आप घबराइएगा नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप आंसर सही फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या होता है बेटा? फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टल भी कहते हैं। अब पिस्टल की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यही होता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो पार्ट, गाइनेशियम के सेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या होगा बेटा? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। अब ओवरी में क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, और जाहिर सी बात है भाई, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा तो प्लेसेंटा भी होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टिग्मा ओव्यूल एम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा, तो ये सही आंसर है। थैलमस देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या थैलमस भी होता है उसका पार्ट? नहीं होता ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेटा ये आंसर आपका सही है। अब देखो ये एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना पड़ सकता है आपको, लेकिन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कह रहे हैं ए बॉटनिस्ट इज प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है आप सबने, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक बॉटनिस्ट है जो प्लान कर रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को। दैट इन्वॉल्व डायोशियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट। यहाँ पे डायोशियस प्लांट है, मतलब कि वो सिर्फ एक सेक्स का होगा, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। लेकिन अब डायोशियस प्लांट है और यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो क्या सिर्फ मेल प्लांट से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सा चाहिए? फीमेल प्लांट चाहिए। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट, इनमें से कौन सा स्टेप रिलेवेंट नहीं है? बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, तो ये तो भाई करेंगे ही, बैगिंग तो करेंगे ना, ताकि कि कोई और पॉलिन ग्रेन आके अटैच ना हो जाए या फिर उसके पॉलिन ग्रेन स्किप ना कर जाए। मेनली बैगिंग इसलिए करते हैं ताकि कोई और अदर पॉलिन ग्रेन आके उसे अटैच ना हो जाए, ठीक है। डस्टिंग ऑफ पॉलिन ऑन स्टिग्मा, ये भी करेंगे, वरना पॉलिनेशन कैसे होगा। इसके बाद कह रहे हैं इमैस्कुलेशन, तो क्या इमैस्कुलेशन करेंगे? इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है? रिमूविंग ऑफ एंथर, तो एंथर तो है नहीं ना, यहाँ पे डायोशियस प्लांट की बात हो रही है, वो भी प्लांट हमारा फीमेल है, तो इमैस्कुलेशन कैसे होगा? तो ये वाला जो स्टेप है ये रिलेवेंट नहीं है, नहीं है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका इमैस्कुलेशन, पूछ रहे हैं ना, वुड नॉट बी रिलेवेंट, क्लियर। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके कह रहे हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे, मतलब जब फीटस मदर की बॉडी से बाहर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है? सी ड्यूरिंग पार्चुरेशन द प्रोलॉन्ग पेन फेस बाय मदर हैज टू बी रिलीव्ड, इट इज एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर अ हार्मोन दैट कैन बी। कह रहे हैं ऐसा कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा जिससे उनको रिलीफ हो। तो बेटा यहाँ पे देखो पार्चुरेशन की बात हो रही है, उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैल्विक रीजन में पेन होता है और यूट्रस में पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन शो होता है। तो पार्चुरेशन के टाइम पे जो प्रोलॉन्ग पेन होता है, दैट इज लेबर पेन, ये फेस किया जाता है बाय द मदर हैज टू बी रिलीव। उनको रिलीफ करने के लिए क्या करेंगे? इट इज एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर हार्मोन दैट कैन बी, कौन सा हार्मोन प्रोवाइड किया जाएगा? तो ऐसा हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है जो पैल्विक रीजन को थोड़ा रिलैक्स प्रोवाइड करे। यहाँ पे देखो रिलैक्स द पैल्विक लिगामेंट, पैल्विक लिगामेंट को थोड़ा रिलैक्स प्रोवाइड करे ताकि पार्चुरेशन इजीली हो सके। अब इजीली तो नहीं होता अगर नेचुरली होता है तो, बट थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। ओके तो ये रिलैक्स द पैल्विक लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना फिर आंसर करना आप लोग। अ फीमेल हैज एक्सीडेंटली कंसीव अ बेबी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। एक फीमेल है जिन्होंने कंसीव कर लिया है बेबी को, मतलब कॉपुलेशन के टाइम पे मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज हो गए हैं और वो बेबी फॉर्म हो गया है। किस वजह से? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। सी इज विलिंग टू गेट एन अबॉर्शन डन, वो अबॉर्शन करवाना चाह रही है। MTB is of much risk in which phase of pregnancy? MTP क्या होता है? Medical termination of pregnancy. तो मतलब medical की help से जो pregnancy हो गई उसको terminate करना, doctors की help से।
एमटीपी इज ऑफ मच रिस्क इन विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी किस फेज में ज्यादा रिस्कियर होगी अगर एमटीपी करवाया जाएगा तो? सिंपल सी बात है भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा लिया जाए तो रिस्की नहीं होगा, लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाएंगे तो वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा ना, बिकॉज जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो फॉर्म होने लगते हैं, जो फीटस होता है उसके ऑर्गन्स डेवलप करने लगते हैं, और वहां पे देखो कोई छोटी चीज को हटाना आसान होता है इन कंपैरिजन टू किसी बड़ी चीज को हटाना, ठीक है? तो अगर ऐसी कोई बात है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा, इसके बाद ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसमें रिस्क नहीं है, फर्स्ट वीक उसमें भी रिस्क नहीं है, सेकेंड वीक उसमें भी रिस्क नहीं है, मतलब कि इसमें ज्यादा रिस्क है। एमटीबी इज मच रिस्क, ज्यादा रिस्कियर पूछा जा रहा है किस फेज में होगा, तो भाई सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि जो 4 to 6 months ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। सी, स्पर्मिसाइडल क्रीम आर यूज्ड इन एडिशन टू कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स फॉर। स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या होती है, कंट्रासेप्टिव के साथ यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है ये आपको बताना है, क्यों यूज की जाती है। देखो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जो होती है ना, इसके पास केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो होते हैं स्पर्म्स को डेड कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो ये उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। क्या ऑप्शन दिया है भाई, ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, नहीं, किलिंग जर्म्स, नहीं, इंक्रीजिंग कंट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, कंट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती है, क्योंकि जो मेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं उसको वो किल कर देते हैं क्योंकि उसके पास केमिकल्स होते हैं। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है बेटा। कह रहे हैं, इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 पॉलन ग्रेन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे होता है, मेगास्पोर किससे फॉर्म होता है, मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्म होता है, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है ना, उसमें मियोसिस होता है जिसकी वजह से 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है बेटा, 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, 4 पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन्स, ये किससे हो रहे हैं, 1 मियोसिस के डिवीजन से हो रहे हैं। ओके, 1 मियोसिस का डिवीजन होता है तो 4 पॉलन ग्रेन मियोटिक डिवीजन आप कह सकते हो वो हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अगर कह रहे हैं 200 पॉलन ग्रेन्स है तो बड़ी सिंपल सी चीज है, 200 पॉलन ग्रेन है तो क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा भाई, 50 है ना, यही आएगा ना, ये आंसर है आपका, ये देखिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बायो में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना ये कोई टफ नहीं होते हैं, बस ये होता है बायो वाले बच्चे थोड़ा घबराने लगते हैं, मैथ से भागने लगते हैं, इस वजह से उनको टफ लगने लगता है, लेकिन भाई इसमें जो भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, डिवीजन या जो भी क्रॉस मिलेगा या नंबर्स निकालने को मिलेगा, तो ये आप बड़े इजीली कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी थोड़ी बहुत मैथ्स तो आप सबने पढ़ी होगी, फिजिक्स में भी पढ़े होगे, केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत पढ़ी रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What will be the genetic constitution of the offspring of a cross individual heterozygous for an allele? Okay, क्या करवाए बेटा, क्रॉस करवा ले, ये है आपके पास है ना, तो अब इनका आपको क्रॉस करवाना है। सी, ये है और ये है, क्रॉस करवाना है, करवा लो भाई फिर पता चल जाएगा क्या है। ये स्मॉल जेड है, ओके यहाँ पे करूं, ये मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा यहाँ पे, ये और यहाँ पे, ठीक, क्या मिला बच्चों, 1:2, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या मिला, 1:2, 2:2, 1,
ये मिला, अब देखो क्या मैच कर रहा है, ऑल जेड ये नहीं है, 1/2 दिस, 1/2 ये भी नहीं है, ऑल ये भी नहीं है, ये देखो 1/4 ये है, 1/2 ये है और 1/4 ये है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है ना, प्रॉब्लम नहीं है कोई। जितने क्रॉस वाले क्वेश्चन हो बेटा सब अपनी कॉपी पे कर लो, सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, प्रैक्टिस करने से ही ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, आइदर मुश्किल हो जाएगा। तो जितना क्रॉस वाले क्वेश्चन आए या अगर कहीं जीनोटाइप फेनोटाइप वाले क्वेश्चन आए तो उसको भी आप करके देख लिया करो, कहाँ टेस्ट क्रॉस है, कौन सा क्रॉस है, वो सब करके देख लिया करो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ के चले आएंगे, मुश्किल हो जाएगा। When heterozygous red dominant flower, heterozygous red dominant flower cross करवाया गया white flower of white flower से, किसका heterozygous red flower है, इसको cross करवाया गया white flower से, the progeny will be, progeny क्या होगी, ये भी question बहुत simple है। सी कैसी प्रोजेनी होगी बेटा, 1:1 के रेशियो में मिलती है ना, अगर रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करवा जाए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, ये 1:1 के रेशियो में मिलता है, तो 1:1 का रेशियो कहाँ है, देखिए 100 रेड 100 व्हाइट, ये है 1:1 का रेशियो, ये तो सही है, 450 रेड 250 व्हाइट ये नहीं है, 280 रेड 320 व्हाइट, क्योंकि ये सब 1:1 के रेशियो में नहीं है, 1:1 का रेशियो कहाँ मिल रहा है, 100 रेड 100 व्हाइट, सिर्फ उतने ही मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके तो ये क्वेश्चन भी भाई थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है, बट ये ट्रिकी है नहीं। सी इफ टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया गया डॉर्फ प्लांट से, एंड ऑब्टेंड प्रोजेनी इज हाफ टॉल एंड हाफ डॉर्फ, हाफ टॉल मिले, जो प्रोजेनी मिले उसमें से हाफ टॉल मिले और हाफ डॉर्फ मिले, देन द जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी विल बी, जीनोटाइप क्या है प्रोजेनी की आपको ये बताना है, क्या होगा भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है, टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया गया डॉर्फ प्लांट से, जो ऑप्टेंट प्रोजेनी मिली वो हाफ टॉल और हाफ डॉर्फ मिली। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या करेंगे इसका क्रॉस करवा लेंगे, तो क्या ये 50-50 मिल पाएगा बेटा, कभी नहीं मिलेगा ये 50-50, देखो ये 50-50 नहीं मिलेगा, जितने मिलेंगे सबके सब टॉल मिलेंगे, तो ये तो नहीं होगा आपका। दूसरी बात अगर करें हम लोग इसकी, तो यहां देखते सेकंड ऑप्शन के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो हमें यहां लग रहा है मिल जाएगा, हाँ ये देखो ये दोनों क्या है टॉल है, ये दोनों क्या है डॉर्फ है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये क्लियर, तो जल्दी जल्दी आप करवा के देख लीजिए, यही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो क्रॉस वाले क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं बेटा, बहुत मिलेंगे आपको, हो सकता है एग्जाम में भी मिल जाए, तो अब क्रॉस वाले क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं तो फेस करना पड़ेगा, और भागना क्यों है भाई, कोई बहुत टिपिकल चीज तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, इजी सी चीज है, कर लोगे सब लोग मजे मजे में, है ना। ओके नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन, If a character is always transmitted directly from the father to all his son and from their sons to all their sons, then which chromosome carry the gene for the character? कहने है कि कोई फैक्टर है, कैरेक्टर है, फैक्टर नहीं, कोई कैरेक्टर है जो फादर से सन में जा रहा है, फिर उस सन से वो दूसरे जनरेशन के सन्स में जा रहा है, मतलब मेल से मेल में, मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, तो कह रहे हैं इसके लिए कौन सा क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होगा। सिंपल सी बात है, मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, वाई, क्यों होगा, फीमेल्स में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स, तो फीमेल्स में तो है ही नहीं, ओके वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल कौन सा क्रोमोसोम होगा मेल में, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, ये आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है, पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी, पेरेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ
एंड ए बी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ ग्रुप ए बी. उनका जो चाइल्ड होगा उनका ग्रुप कभी ए बी नहीं हो सकता. बिकॉज क्यों नहीं हो सकता भाई, ये बताना है आपको. देखो क्या ऑप्शन है, जीन ए और बी इज एब्सेंट इन वन ऑफ द पेरेंट, जीन ए इज डोमिनेंट ओवर ओ, जीन बी इज डोमिनेंट ओवर ओ, जीन ए एंड बी आर एब्सेंट इन वन ऑफ द पेरेंट. सही बात लिखी है. देखो डी पे क्या होता है, ओ पे क्या होता है, ओ के पास ना ए है ना बी है ना, और पेरेंट ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी, और जो पेरेंट ए बी है इनके पास ए बी है और बी भी है, मतलब आई ए है और आई बी है. यहाँ पे क्या है, सिर्फ आई है. तो यहाँ पे देखो जीन ए एंड बी इनमें से कोई एक ए और बी जो होगा वो एब्सेंट होगा ऑफ द पेरेंट में, यही होगा ना. तो यही आंसर आपका सही, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अभी तक तो प्रैक्टिस करते करते बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग कर लिए होंगे, है ना. इनमें से ये जो सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप खुद ही खुद ब खुद कर लिए होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस टर्मिनल फ्लावर इन अ गार्डन पी. टर्मिनल फ्लावर पूछा जा रहा है भाई, क्या होता है. एक्सिलरी पोजिशन जो होती है दैट इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल पोजिशन. एक्सिलरी पोजिशन डोमिनेंट हो जाती है टर्मिनल पोजिशन पे. अब क्या कह रहे हैं, क्रॉसेस विल प्रोड्यूस टर्मिनल फ्लावर. टर्मिनल फ्लावर के क्रॉसेस में कौन सा प्रोड्यूस होगा, क्या करोगे बेटा, क्रॉस करवा लो. अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा. दूसरा देखें अगर, तो ये दिया है ये और ये विजिबल है. एक मिनट कलर चेंज कर दें, दिस वन बी है, ए तो होगा नहीं. हो गया, यही होगा. कौन सा इन्वॉल्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस. टेस्ट क्रॉस होगा और वो भी इसका होगा जिससे कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो घुमा सकता है आपको, ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है भाई. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई डीएनए. हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई डीएनए. इफ इट्स डीएनए इज 1.36 mm लॉन्ग, अगर डीएनए जो है उनका 1.36 mm लॉन्ग है, तो अगर दो डीएनए के बेस पेयर की एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो वो कितना होता है, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग, है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग. अब अगर हम लोग इसको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दे तो 1.36 mm है, इसको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1.36 इंटू 10 टू द पावर 7. अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग से, है ना. क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4 एंगस्ट्रॉन्ग. ठीक, अब एंगस्ट्रॉन्ग को बेस पेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा, 4 × 10⁶ बेस पेयर. ठीक, यही होगा आपका आंसर. चलिए देखें, ये देखिए आपको ए पे ही मिलना है 4 × 10⁶ बेस पेयर. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऐसे बेटा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा. जैसे जितने सैंपल पेपर है कुछ ना कुछ इसमें आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो न्यूमेरिक बेस्ड है. बच्चों को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल पाते जिस वजह से वो घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपके हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया गया है. तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना बेटा, बस यही कह रहे हैं. चलिए ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन. यहाँ पे कह रहे हैं ये जो डायग्राम दिया लैक ओपेरॉन का, इसमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैक ओपेरॉन मॉडल. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको लैक ओपेरॉन के लिए. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर विच इनएक्टिवेट रिप्रेसर. सही लिखा हुआ है, लैक्टोज किसकी तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरह, जो कि इनएक्टिवेट कर देता है रिप्रेसर को. सही लिखा हुआ है. दूसरा लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज स्टे अवे फ्रॉम प्रमोटर इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर. तो क्या कहता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये स्टे अवे होता है, दूर रहता है फ्रॉम प्रमोटर से इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर. जब रिप्रेसर वहां रहता है
तो आरएनए पॉलीमरेज दूर रहता है प्रमोटर से। रेगुलेशन ऑफ लैग ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ये एक नेगेटिव रेगुलेशन है, ये भी सही लिखा हुआ है। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स फ्रॉम आर जीन। जो रिप्रेसर होते हैं ओपेरॉन के, ये सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम आई जीन। ये होते हैं आई जीन। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। मतलब अगर बात करें तो ये हमसे पूछ रहे थे इनकरेक्ट के बारे में, और भाई हमें इनकरेक्ट मिल गया है। वो कौन सा है? आपका डी। ठीक है, पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, कह रहे हैं किसी के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है भाई ये। इन मेल्सन एंड स्थैल एक्सपेरिमेंट यूजिंग ई कोलाई द ड्यूरेशन बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हैवी डीएनए वाज। मेल्सन और स्थैल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ई कोलाई को यूज किया था, तो जो ड्यूरेशन था अपीयरेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हैवी डीएनए का, वो क्या था? टू जनरेशन में था, दो जनरेशन में था। और जो ई कोलाई को दो जनरेशन आने में टाइम लगता है, दैट इज फॉर 40 मिनट्स। ओके, यहाँ देखिए कौन सा सही है। सबसे पहले दिया टू जनरेशन, फिर बी दिया हुआ 30 मिनट, फिर सी दिया हुआ 20 मिनट, और डी दिया हुआ है 4 जनरेशन। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? अभी बताया दो जनरेशन में था और 40 मिनट्स लगे थे, तो दो जनरेशन। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन टू जनरेशन ना देके यहाँ पे 1 जनरेशन लिखा होता या कुछ और लिखा होता और ड्यूरेशन आपसे पूछा गया होता, तो यू कैन गो विथ 40 मिनट, अगर 40 मिनट का ऑप्शन दिया होता तो। ओके, तो एक क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये वाला क्वेश्चन तो किया ही नहीं था, अटेम्प्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एंजाइम डैश, ये फिल इन द ब्लैंक से, एंजाइम ए एक्ट ओवर ऑन ओरी साइट एंड अनवाइंड द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए By destroying bond। कौन से होते हैं बच्चों? बहुत easy question है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या होता है, enzyme कौन सा होता है? Helicase होता है। Helicase जो होता है ये act करता है ओरी साइड पे और ये unwind करता है दो strands of DNA को, दो strands of DNA को unwinding करता है by destroying, क्या destroy करके? Hydrogen bond को destroy करके, है ना? तो चलिए देखते हैं helicase और hydrogen bond कहाँ मिलता है। ये देखो helicase और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ देखिए हेलिकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये किसको नहीं पता होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है बच्चों? सी, जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो ये कह रहे हैं स्टार्ट विद टाटा बॉक्स, स्टार्ट विद पैलिंड्रोम रीजन एंड इट विद आरएचओ फैक्टर, स्टार्ट विद प्रमोटर रीजन एंड एंड विद टर्मिनेटर रीजन। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ये स्टार्ट होता है प्रमोटर रीजन से और एंड कहाँ होता है बच्चों? टर्मिनेटर रीजन पे, यही होता है ना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला भी क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है। मतलब हम कहें तो हमें पूरे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा लगा था। सी, फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो आइडेंटिफाई विच चिल्ड्रन बिलोंग टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए पेरेंट्स हैं, ये मदर हैं और ये फादर हैं। अब ये इनके चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा बच्चा इनका है। तो सी, यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ दी हुई है बच्चों और उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। आप अपनी बुक्स में देख सकते हो यही डायग्राम है, अगर विजुअलाइज ना हो रहा हो तो, क्योंकि ये जो बैंड्स प्रिंटेड है वो आपकी बुक में अच्छे से आपको दिख जाएंगे। सी, ये मदर का है, तो अगर फर्स्ट चाइल्ड की बात करें तो ये मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है फादर से, ये ना, ओके, ये वाला मैच कर रहा है इनके फादर से और ये मैच कर रहा है मदर से। तो इसका मतलब कि ये तो श्योर है कि चाइल्ड वन जो है ये 1 2 3 4 4 बच्चे हैं, ये बच्चा इन्हीं का है। दूसरी बात करें
तो ये बैंड देखिए, इनके मदर के पास नहीं है, ये बैंड भी है, ये वाला बैंड नहीं है, ये बैंड नहीं है, ये बैंड है, तो सिर्फ ये और ये बैंड है, कम बैंड्स हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट की बात करें, थर्ड की, तो ये बैंड इनका मैच कर रहा है, ये बैंड ये भी मैच कर रहा है, ये यहाँ पे है, ये वाला बैंड मैच कर रहा है, ये वाला बैंड मैच कर रहा है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये मैच कर रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड मैच कर रहा है। फोर्थ की अगर देखें तो ये यहाँ से मैच कर रहा है, ये वाला है ही नहीं, ये वाला, ये बैंड भी मैच नहीं कर रहा है और ये बैंड मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बैंड मैच कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा मिला बच्चों? 1 and 3। चलिए देखें, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन 1, 2 and 4 नहीं, चिल्ड्रन 2 and 3 नहीं, चिल्ड्रन 1 and 3, तो ये चिल्ड्रन 1, ये चिल्ड्रन 3, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, घबराइएगा नहीं, बड़े आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन कर ही ले जाओगे, आई एम डैम श्योर। तो बच्चों यहाँ पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में रिमेनिंग क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन है, और करने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने। तो भाई यही वो सेक्शन है जहाँ पे केस स्टडी भी आती है। सी सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 1 केस फॉलोड बाय 6 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होंगे? 6। क्वेश्चन नंबर 49 to 54, डिसाइड दीज क्वेश्चन 6, 6 मोर क्वेश्चन आर गिवन, उसके अलावा 6 और क्वेश्चन गिवन है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन इन दीज सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, द फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड, पहले जो 10 क्वेश्चन आप करोगे सिर्फ और सिर्फ उसी का इवैल्यूएशन होने वाला है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सेक्शन सी। ये है बच्चों सेक्शन सी, इस पेपर की बेटा ये केस स्टडी है, ओके। और ये केस स्टडी आपको कहाँ मिलती है? सेक्शन सी में। किसी भी पेपर में अगर आपको केस स्टडी ढूंढना हो तो सेक्शन सी में चल जाएगा, पहला क्वेश्चन वही मिलेगा। चलिए कह रहे हैं, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल। देखो ये चार्ट दिया हुआ है, और ये किसका है? ह्यूमन फीमेल का, गैमेटोजेनेसिस का, ठीक है। अब इसमें हमें दिखा रहे हैं क्या, इधर लिखे हैं पॉजिटिव फीडबैक, इधर लिखे हैं नेगेटिव फीडबैक, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हाइपोथैलमस और ए, फिर लिखा हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे बी, ये सी का ब्लॉक है, ये डी का ब्लॉक है, यहाँ यूट्रस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं नेम ऑफ द हार्मोन, मतलब यहाँ कोई हार्मोन होगा, फिर लिख रहे हैं नेम ऑफ द हार्मोन, मतलब बी पे भी कोई हार्मोन होगा, सी पे कह रहे हैं नेम द ऑर्गन, यहाँ ऑर्गन है, और डी पे कह रहे हैं नेम द हार्मोन, यहाँ भी कोई हार्मोन होने वाला है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द लेवल ए एंड डी, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? ए और डी को, इन द गिवन फ्लो चार्ट। अब ये क्या हो सकता है बच्चों? हाइपोथैलमस से क्या सिक्रीट होता है, या यहाँ पे कौन सा हार्मोन होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, वो क्या होता है? GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो होते हैं GnRH। चलो ये तो हमें ए पे मिल गया। डी पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है बच्चों ऊस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते हैं? जो वुमेन का सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो भाई डी पे भी मिल गया हमें ऊस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब चलो जरा ऑप्शंस देखते हैं, ये FSH है, प्रोजेस्टेरोन ये तो है ही नहीं। बी पे अगर बात करें तो यहाँ देखो GnRH, ऊस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मिला है। सी पे GnRH, ऑक्सीटोसिन, और डी पे LH, ऑक्सीटोसिन, मतलब आपका बी सही। ओके, तो ये तो भाई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें या देखें तो उसमें क्या है? अब यहाँ भी कह रहे हैं नेम द हार्मोन, नेम द हार्मोन बी एंड आइडेंटिफाई इट्स फंक्शन। हमें क्या बताना है? हार्मोन बी, यहाँ पे बताना है हार्मोन बी। तो क्या होगा बच्चों? ये क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा।
ओके नाउ सी ऑप्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोलिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कंट्रोलिंग हार्मोन। इसके बाद लिखे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं फॉलिकल्स की ग्रोथ करते हैं और ओवल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए LH एंड FSH फॉलिकुलर ग्रोथ एंड ओवल्यूशन, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लियर है बच्चों। ओके केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना, पेचीदा होते हैं थोड़ा, तो आप उसको जितना जल्दी सॉल्व कर लो, जितना जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाए उतनी जल्दी आंसर दे देंगे। Now see, what is the function of A in the given flow chart? A कहाँ है भाई? ये है। अब कह रहे हैं A का function क्या है भाई? ये बताना है आपको। तो A का function क्या है? यहाँ पे कौन सा hormone था? GnRH, GnRH, हाँ, GnRH, progesterone और estrogen। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वो क्या काम करता है? Controlling hormone है जो कि control करता है, ठीक है? वो जो प्रोसेसेस होते हैं फीमेल बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, सो दैट इज कंट्रोलिंग हार्मोन, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइडेंटिफाई द लेवल सी एंड इट्स रोल। सी को आइडेंटिफाई करना है और उसका रोल बताना है कि क्या होगा। सी क्या होगा बच्चों? ओह जस्ट अ मिनट, सी बताना है क्या होगा। सी का है यहाँ है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो ये क्या है, ओवरी है जो कि प्रोडक्शन करती है ओवा का, एग का प्रोडक्शन करती है ना ओवरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद आपकी आती है ओवरी। अब यहाँ पे देखो फेलोबियन ट्यूब ओवा प्रोडक्शन ये तो है नहीं, फेलोबियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन, ओवरी फर्टिलाइजेशन, ओवरी एंड ओवा प्रोडक्शन ये होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद आती है आपकी ओवरी फीमेल बॉडी में, जहां पे ओवा का प्रोडक्शन होता है, दैट इज द फीमेल गैमेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहे हैं विच हार्मोन इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को कौन सा हार्मोन ब्रेक करता है या इंड्यूस करता है, ब्रेक नहीं करता इंड्यूस करता है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा हार्मोन होता है बेटा? देखो यहाँ पे अगर हम लोग हार्मोन बी है, यही क्या करता है, इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो वो जो हार्मोन बी पे है, हार्मोन बी पे कौन सा है बेटा? LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे देखिए हार्मोन बी जो है, ये देखिए हार्मोन बी, ये आपका सही, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर। ओके क्वेश्चन रिलेट करके देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि मतलब कौन सा हार्मोन है जो इंड्यूस करता है रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने में। तो वहां वाला हार्मोन अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज विच हार्मोन इंक्रीजिंग लेवल विल हैव अ बैड इफेक्ट ऑन हार्मोन बी। कौन सा हार्मोन होगा जिसका अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बैड इफेक्ट होगा हार्मोन बी पे। बैड इफेक्ट किसका होगा? हार्मोन बी पे। तो बेटा यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, उसका बड़ा बैड इंपैक्ट होता है जब वो बढ़ जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, स्पेशली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को उस पे बैड इंपैक्ट डालने लगता है। तो कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरॉन, देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी खत्म हो गया है और ये हम लोग फिर आ गए हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सी क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके बाद क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये स्टेटमेंट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज। जो फ्रीक्वेंसी होती है क्रॉसिंग ओवर की, ये डिक्रीज कर जाता है इंक्रीजिंग एज के बाद, ये कह रहे हैं। तो ये तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, जो क्रॉसिंग ओवर की कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है। एफ टू फेनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी सही लिखा हुआ है। डायहाइब्रिड रिस्पांस रेशियो इज 1:1 इन एफ टू जनरेशन, ये 1:1 का होता है, दैट इज
1:1:1:1:1 ये होता है ना. ओके तो ये तो आपका गलत हो गया. फिर कह रहे हैं लिंक जीन टेंड टू सेपरेट फ्रिक्वेंटली. जो लिंक जीन होते हैं ये क्या बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं? नहीं, ये बहुत जल्दी सेपरेट नहीं होते, ये बड़े अच्छे से फिक्स्ड अप होते हैं, लिंक अप होते हैं, जिसकी वजह से इनका सेपरेशन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाता है. तो कौन सा ऑप्शन आपको सही मिला? करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट बताना है बेटा. तो आपको मिला 1 and 2. यहाँ पे 1, 2 and 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2nd, 3rd and 4th लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 3rd and 4th लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 and 2. ये आपका सही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा, ये भी थोड़ा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पर घबराइएगा नहीं, जितना आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में. सी द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स. 4 फैमिली मेंबर है, उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस दी हुई है. ये दी हुई है. स्टडी द ऑब्टेंड बैंड पैटर्न एंड असाइन डेजिग्नेशन टू ईच फैमिली मेंबर WXY and Z. हमें ये बैंड पैटर्न पढ़ के बताना है कि ये कौन से फैमिली मेंबर हैं, कौन से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसा इनका रिलेशन बताना है. अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखिए, फादर मदर चाइल्ड पैटर्नल अंकल, चाइल्ड मदर फादर मैटरनल अंकल, फादर मदर चाइल्ड पैटर्नल अंकल, चाइल्ड मैटरनल अंकल, फादर मदर. मतलब इतना तो श्योर है कि एक चाइल्ड है, एक फादर है, एक मदर है, एक पैटर्नल या मैटरनल अंकल कोई है. अब हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही बैंड पैटर्न है और कौन इनसे मैच करेगा. चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखो बेटा क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग W, X, Y और Z चार दिए हुए हैं. अब जरा अगर ध्यान से देखो तो ये जो X है, X की अगर बात करें तो इसका बैंड पैटर्न Y से सिमिलर है और दूसरा वाला जो बैंड पैटर्न है ये W से सिमिलर है. मतलब ये बच्चा हुआ, X क्या हुआ आपका, बच्चा हुआ, दैट इज चाइल्ड. W और Y फादर मदर है. ओके अब ये तो श्योर हो गया दैट X इज चाइल्ड. फाइन, अब आपको बताना है X, Y और Z में कौन चाइल्ड है, कौन मदर है, कौन फादर है और कौन अंकल है. ये भी बताना है पैटर्नल है या मैटर्नल है. तो अब देखिए यहाँ पे W क्या होंगे बेटा, यहाँ पे अगर देखिए तो ये फादर लग रहे हैं, ये मदर लग रहे हैं और Z की अगर बात करें तो ये कोई रिलेटिव लग रहे हैं. बट किसके रिलेटिव है, कि Y के तो रिलेटिव है नहीं, नहीं. तो अगर ये फादर है तो ये रिलेटिव किसके होंगे बेटा, इनके हैं. देखिए कोई एक बैंड पैटर्न इनसे मैच कर रहा है, मतलब फादर से, तो ये क्या होंगे, पैटर्नल अंकल होंगे. चलिए देखें, इनको भी नाम देते थे भाई, पैटर्नल अंकल. एक मिनट, पैटर्नल अंकल. ठीक है, अब चलो जरा ढूंढो एक्स पे चाइल्ड कहाँ है. एक्स पे चाइल्ड यहाँ वाई पे चाइल्ड है, यहाँ डब्ल्यू पे चाइल्ड है, यहाँ एक्स पे चाइल्ड है. ठीक है, ओके, सिर्फ यही एक्स पे चाइल्ड मिल भी रहा है और कहीं मिल भी नहीं रहा है. ठीक, अब डब्ल्यू और वाई ये फादर मदर हैं, तो डब्ल्यू और वाई ये फादर मदर होंगे और जेड पैटर्नल अंकल. अगर सिर्फ चाइल्ड भी पता कर लिया ना तो बाकी रिलेशन खुद ही निकाल लोगे, है ना. तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अज्यूम किया था फादर मदर को बट सही निकल गए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ओके ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन मजेदार क्वेश्चन है ये भी. सी गिवन डायग्राम डेपोसिट्स अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन जीन्स. मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर जो ज्यादा दूर पे रहेंगे उसमें होगा. चलिए देखते हैं कहाँ हो सकता है. ये ए का इससे हो सकता है और ये डी का इससे हो सकता है. तो अब भाई जरा मैच कराओ तो कहाँ हम लोग को मिलेगा, ए एंड ए मतलब इसका इससे, ये तो होगा नहीं. सी एंड डी, सी एंड डी वहां होगा नहीं. बी एंड सी ये भी नहीं होगा. लास्ट में देखें ए एंड डी, तो इसका इससे हो रहा है और इसका इससे, ए का डी से और डी का ए से, मतलब आपका ऑप्शन डी सही होगा. ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन देख के सोचोगे ये क्या आ गया भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मजेदार था. चलो ये भी आ गया क्वेश्चन, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. देखो सेक्शन सी में आपके ना बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले है ना. चलिए रेफर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड बाय एमआरएनए.
क्या दिया हुआ है हमें, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है इसकी। द पॉसिबल कोडॉन सीक्वेंस ऑफ द चेन वुड बी, हमें पॉसिबल कोडॉन सीक्वेंस बनाना है चेन का, हमें पॉलीपेप्टाइड चेन दे दी गई है। देखो मेथियोनिन है, प्रोलिन है, लाइसिन है, ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है और साइटोसिन है। क्या होता है बेटा, मेथियोनिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन सा मैच करेगा, मेथियोनिन में आपका एयूजी एयूजी आ जाएगा, ठीक है। प्रोलिन में अगर बात करें तो सीसीयू मिलेगा, लाइसिन में बात करें तो ये मिलेगा, और ग्लाइसिन की बात करें तो जीजीयू, आर्जिनिन की सीजीयू और इसका ये, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बड़ा सोच समझ के करना, ध्यान से करना, थोड़ा टाइम लगे लगा लेना, और ना समझ में आए तो छोड़ देना, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, पर गलत नहीं करके आना बेटा, बिल्कुल नहीं करके आना गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। स्टडी द फॉलोइंग टीआरएनए मॉलिक्यूल रिलेटेड विद देयर एंटीकोडॉन पेयरिंग विद रिस्पेक्टिव कोडॉन, व्हिच टाइप ऑफ टीआरएनए इज इम्पॉसिबल, हमें इम्पॉसिबल टीआरएनए बताना है। चलो देखो डायग्राम, ये T1 है, ये T2 है, ये T3, ये T4, ये T5, सबके नाम रखे हुए हैं, लिखा हुआ है सबके नाम। अब यहाँ पे देखें तो ये देखो UCA लिखा हुआ है, दैट इज एंटीकोडॉन, बुक में देख लो अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो, ओके तो UCA एंटीकोडॉन है, AGU क्या है, कोडॉन है, ये तो सही है, AUG और UAC ये भी एंटीकोडॉन और कोडॉन की पेयरिंग है, तो सही है। अब अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये देखो जो T3 है, T4 है, T5 है, क्या ये स्टॉप कोडॉन दिख रहे हैं, तो स्टॉप कोडॉन है तो ये क्या tRNA होंगे, होंगे बेटा, क्या कह रहे हैं, तो tRNA मॉलिक्यूल रिलेटेड विद देयर एंटीकोडॉन पेयरिंग विद रिस्पेक्टिव कोडॉन, इन दोनों की तो पेयरिंग सही हुई, विच टाइप ऑफ tRNA इज इम्पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल होंगे T3, T4 और T5। चलिए देखें T1 एंड T2 सही है, T1 एंड T4 ये तो है नहीं क्योंकि T1 हो जा रहा है, T1, T2, T3 तो इसमें से दो तो हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, T3, T4 एंड T5 यही नहीं हो रहे हैं, ये सही है, ठीक है, इम्पॉसिबल बताना था तो स्टॉप कोडॉन्स के साथ नहीं हो पाती है पेयरिंग। चलिए ये क्वेश्चन देखें, कुछ ये चेहरा, ये डायग्राम देख के याद आ रहा है बच्चों, बुक में कहीं देखा हुआ है इसको, ओके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या लोगे भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्रोमोसोम वॉकिंग क्रॉसिंग ओवर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेथड ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो ये ह्यूमन है, सेल्स हैं, ये यहाँ से DNA, फिर इसकी स्टडी की गई, किसमें किया गया, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया था, है ना, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके सैंपल पेपर 6 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, जो बुक आपको बताई गई है, जो बुक अरिहंत पब्लिकेशन की सैंपल क्वेश्चन पेपर है, वही आपको कराया जा रहा है, वही आपको फॉलो करना है, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यही वो बुक है, ओके फिर से बता दिया बच्चों, और आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।